तो गाइस ये देख सकते हैं ब्रीडिंग का नेक्स्ट डे है। तो कल अपन ब्रीडिंग को लगाए थे, तो आज मॉर्निंग देख सकते हैं तुम। ये मॉर्निंग आई थिंक सेवन या एट के बीच में तो फ्रेंड वीडियो निकाला है, जो अपना सिराज है, तो उन्होंने 7 या 8 के मिडिल में तो वीडियो निकाले थे। तो देख सकते हैं दोनों की जो ब्रीडिंग की प्रोसेस है वो हो रही है, मीटिंग तो चल रही है इधर। तो फर्स्ट स्टार्टिंग मीटिंग में जो है एग्स नहीं आते गाइस, आप परेशान मत हो, फीमेल एग्स रिलीज नहीं कर रहा बोल के ऐसा कुछ भी सोचने का नहीं है, वो फर्स्ट फर्स्ट है ना, तो ऐसा एग्स नहीं आएंगे, बाद में हल्लू एग्स आएंगे, एक थोड़ा बहुत ट्रायल्स के बाद जो है एग्स आएंगे। फर्स्ट ट्रायल पे तो एग्स नहीं आएंगे, तो आप फर्स्ट ट्रायल देख के फीमेल एग्स रिलीज़ नहीं कर रहा तो ये पेयर सेट नहीं हुआ बोल के ऐसा कुछ भी नक्को सोचो, हल्लू हल्लू एग्स रिलीज़ हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं मेटिंग तो कम्प्लीट हो चुका है, और ये देख सकते हैं ये नेक्स्ट डे है, फीमेल को निकाल दे रहे हैं अपन। तो फीमेल को इवनिंग में निकालने का था लेकिन नहीं निकाले थे इन्हों, तो वीडियो बनाएंगे बोल के तो थोड़ा बहुत वेट करें, अभी अभी जो है फीमेल को निकालने वाले हैं इन्हों सिराज। तो देख सकते हैं अपने बेटास प्लकैट बेटास है पूरे, और ये डब्बा निकाल लेके जो है और सेटअप थोड़ा बहुत आटा लेके उसमें से फीमेल जो है उसको बाहर निकालते हैं। और ब्रीडिंग के बाद जो है फीमेल को कंपलसरी निकालना है, नहीं निकाले तो जो है मेल फीमेल पे अटैक करते रहेगा, एक्स को केयर नहीं करेगा। मेल जो है मेटिंग पे कभी भी रेडी रहेगा, क्यों फीमेल के पास जाके फ्लेयर करते रहेगा और मेट के लिए बुलाते रहेगा वो, तो उसके वजह से बबल नेस्ट ऐसा पूरा डिस्टर्ब होने का चांस है, और एग्स भी जो है नीचे गिर जाएंगे, और नीचे गिर गए सो एग्स को फीमेल खा लेगा, तो ऐसा होगा। तो इसके वजह से जो है फीमेल को निकाल देना है। बड़ी आप बड़ा बहुत ही बड़ा ब्रीडिंग सेटअप में तो आप ब्रीडिंग करा रहे तो फीमेल नहीं निकाले तो भी चलेगा, लेकिन ये बहुत छोटा सेटअप है, मतलब छोटा बॉक्स है ना ब्रीडिंग का, तो इसके वजह से फीमेल को तो निकाल देना है। और आप ऑलरेडी देख चुके ही होंगे, ये देख सकते हैं फीमेल को तो अभी निकाल लिए, और फीमेल को ज़्यादा अभी डैमेज नहीं हुआ, जस्ट वन डे में, जस्ट एक ही दिन में जो है ब्रीडिंग हो गया है, क्योंकि इन लोग की जो फीड दिए थे पहले वो वैसा फीड था, एकदम कंडीशन करने के बाद जो है ब्रीडिंग करा है, तो इसके वजह से जो है अपन को अच्छा सक्सेस मिला। तो ये देख सकते हैं एग्स तो नियरली होंगे, एक 300 तक तो होंगे ही, एग्स तो ज़्यादा ही मिले हैं। और देख सकते हैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में पेयर का वीडियो में डिस्प्ले शूटिंग में डाल के तो शो करा हूँ मैं ऑलरेडी, तो अभी फिर से डाब देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि फिर बबल्स फूट जाएंगे, बबल्स नहीं फूटना बोल के लगाएगा इस कंपलसरी बोल के वैसा कुछ नहीं, आपका एयर नहीं आ रहा बोले तो आप ऊपर कुछ भी कवर नहीं करे तो भी चलेगा, जस्ट एयर आके बबल्स पूरे फूट जा रहे, अंडे पूरे नीचे गिर जा रहे बोल के तो वैसा लगा है। तो देख सकते हैं फीमेल की कंडीशन भी एकदम सही है, और ये फीमेल फिर से 15 डेज में रेडी हो जाएगा मेटिंग के लायक, बोले तो उसके जो भी एग्स छोड़ दिया ना वो फिर से वो रेडी हो जाएंगे। तो ये अभी नेक्स्ट डे है, तो ये जो है सेकेंड या थर्ड दिन के मिडिल में है ये, तो देख सकते हैं मेल नीचे बैठे सो है, अभी इसको ओपन करके फिर से चेक करते हैं एक्स की हालत कैसा है, एक्स है या खा लिया वो भी चेक करना पड़ेगा अपन को, थोड़े मेल जो है एक्स को खा लेंगे, लेकिन ये मेल तो खाया नहीं वैसा, बिल्कुल पूरे बच्चे को हैच किया है, और पूरे बच्चे भी अभी भी पूरे अलाइव है, उसकी ऑलरेडी प्राइस पूरे जो है 37 डेज़ के ओल्ड है, तो 37 डेज ओल्ड जब जो है मैं ये वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, तो फिर से अपन जो भी प्लकार्ड के बॉक्स है पूरा निकाल लेंगे, फिर से ओपन करके बताएंगे, और सेम पोजीशन पे आ गया कैमरा, और ये डब्बा निकाल लेना है, और कैमरा हाथ में लेना है, और वीडियो शूट शुरू। तो ये देख सकते हैं मेल तो एग को गार्ड कर रहा है, देखेंगे एग्स है या नहीं है, तो हटा लेते पहले बुक को। तो ये देखिए, और फ्राइज के फर्स्ट भी वो उसके ऊपर भी वीडियो है इसमें ही, तो ये देख सकते हैं, और एग्स के पोजीशन जो है चेंज हो चुका है, तो
अभी एक्स थोड़ा कम दिख रहा है, तो अभी एक्स की काउंट थोड़ा बहुत कम दिख रहा है, लेकिन कम कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट वो एक्स को पूरा डिस्पैच कर दिया है, बोले तो थोड़े थोड़े एक्स को थोड़े थोड़े प्लेस में डाल दिया है वो। एक्स तो बहुत ही कम दिख रहा है, लेकिन वो वहाँ यहाँ थोड़े बहुत लगा के रखेगा, तो इसके वजह से एक जो है बहुत ही कम दिखेंगे, तो ऐसा डिस्टर्ब हो जा रहा है वो, और फिर से लगा देंगे उसको। तो एक्स तो नहीं खाई है, एक्स तो खाया नहीं है, तो फिर से कैसा है वैसा पोजीशन में लगा देंगे। और नेक्स्ट जो है आज को एक सेकेंड डे तो कंप्लीट हो चुका है, तो ये देख सकते ये है थर्ड डे, तो थर्ड डे में भी फिर से ये गार्ड कर रहा है। तो इस बार जो है अपन को बच्चे निकल चुके हैं ऑलरेडी, तो इस बार जो है डायरेक्टली अपन बच्चे देखने वाले हैं। फिर से कैमरा की पोजीशन चेंज कर देंगे, देख सकते हैं बबल्स अभी भी बना रही है, बोले तो फीमेल्स को बच्चों को गार्ड कर रही है। तो कैमरा पोजीशन लेके जाएंगे वॉल पे, फिर से हटाएंगे अपने डब्बा को, और फिर से कैमरा को हाथ में लेना है। चलो फिर से वीडियो शुरू, इस बार हटा के देखेंगे अपन। तो ये देख सकते हैं बबल नेस्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा कवर हो चुका है, तो ये अभी बबल नेस्ट में फ़र्क आ चुका है। आप देख सकते हैं बबल नेस्ट पूरा सिंगल सिंगल हो चुका है, एक एक बबल हुआ है। जब एक्स रहेंगे ना, तब एक के नीचे एक के नीचे एक एक के नीचे एक बबल्स रहेंगे, तो वैसा फ्रेश आ जाएंगे ना, तो बबल्स पूरे डिस्पैच हो जाके एक 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 करके चुपक के रहेंगे साइड्स में, एक के नीचे एक तो नहीं रहेगा, एक के बाजू के एक रहेगा, ऐसा रहेगा जब बच्चे हैच हुए। तो देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम बच्चे तो हैच हुए, अभी थर्ड डे है बच्चों के लिए, जब फिफ्थ डे होगा ना हैच, बोले तो हैच होके थर्ड डे हैच हो बच्चे, ये डे से काउंट करें तो बच्चों के लिए थर्ड डे, और जब एक्स से काउंट करें तो बच्चों के लिए फिफ्थ डे, जब जो है ये फ्री स्विमिंग हो जाएंगे तब अपन को फीड करना है। तो अभी फिर से सेम जो भी पोजीशन है वो पोजीशन में डाल देते, तो फिफ्थ डे के दिन फिर से अपन वीडियो बनाएंगे। चलो हेलो गाइस, आज जो है ब्रीडिंग का फिफ्थ डे है, तो ऑलरेडी मेरा फ्रेंड तो पूरे क्लिप्स बना चुका है, आज मैं फिर से विजिट किया हूँ, तो इसलिए फिर से एक वीडियो तो मैं ही बना रहा हूँ पर्सनली। तो आज फिफ्थ डे है, फिफ्थ डे का ऑलरेडी बच्चे पूरे निकल चुके हैं, अभी उन लोग अभी पेरेंट को सेपरेट करने आए, तो पेरेंट को सेपरेट करने का वीडियो है, तो निकाल लेते हैं। चलो अब डब्बा निकाल लेके चेक करते हैं फिर से कैसा है प्राइस। चलो निकालो, तो बुक कैसा कवर कराऊं वैसा ही है, सम से बुक के ऊपर पूरे। तो अरे रे रे, ये देख सकते हैं बच्चे पूरे प्राइस ऊपर गिर रहे, तो अभी बबल नेस्ट चले गया तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे थोड़े बहुत फ्री स्विमिंग लायक हो गए हैं, तो क्लोजअप नहीं हो रहा। तो ये है बच्चे, बहुत है बच्चे नीचे, अभी नीचे भी है ऊपर भी है पूरा, तो केयर कर रहा है, देख सकते हैं मुँह में ले रहा है वो, तो मुँह में लेके फिर से वो रिटर्न छोड़ देगा गाइस, ऐसा खा लेगा नहीं, लेके फिर से छोड़ देगा। तो यह अभी बबल नेस्ट है, अभी तो इस पेरेंट को सेपरेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इधर से इसको। चलो निकालेंगे, तो मैक्सिमम बच्चे तो हैच हो चुके हैं गाइस, ये देख सकते हैं प्लांट के नीचे तो बहुत सारे बच्चे छुपा गए प्लांट्स को, ये देख सकते हैं। तो इनके लिए वो सेफ्टी, बोले तो सेफ्टीज है वो, उसमें अटके नहीं, जस्ट उसमें बोले तो ऐसा जाके घुस गए बस, रेस्ट लेते उस पे बैठ कर रेस्ट रेस्ट बोले तो रेस्ट नहीं होता, जस्ट ऐसा सपोर्ट है बस। तो बहुत सारे बच्चे नीचे भी गिर चुके हैं, अभी गिरे वो, ऊपर निकाल लेना, तो इसके वजह से नीचे गिर गए वो। तो ये देख सकते हैं, जूम करके बता रहा हूँ, नीचे तो बहुत सारे बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे तो हैच हो चुके हैं इसमें, मैक्सिमम काउंट है, अब दिख रहे हैं रहने रहने।
तो पूरे बच्चे जिंदे छे गाइस, वो नीचे गिर के तो नहीं मरे, जस्ट पूरा अलाइव है। जस्ट अभी अपन निकाल लेना, तो इसके वजह से अभी भी ये केयरिंग ले रहा है, बोले तो मुँह में लेके फिर से छोड़ रहा है नीचे से ऊपर। तो देखते हैं अभी थोड़ा बहुत टाइम लेके इसको निकालेंगे बोल के सोच रहा हूँ मैं। तो फिर से पोजीशन में या यहाँ इस बाजू को लगा देता हूँ इसको, फिर से अभी एक पार्ट बनाता हूँ मैं। चलो तो ये देख सकते गाइस, ये जो है आज को 6 डेज हुए हैं, तो ये 6th डे के दिन जो है मेल को निकाल दिए है, और इन लोग को आज से जो है फीडिंग की टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो आज से इन लोग को फीडिंग डालेंगे। तो फर्स्ट फीड में अपन आर्तेमिया यूज़ कर रहे हैं, अभी मोइना भी यूज़ कर रहे हैं, तो ऑलरेडी इसमें थोड़ा बहुत मोइना डाले, बस आर्तेमिया नहीं डाले, क्योंकि आर्तेमिया जो है हैचिंग को रखे थे 6th डे पे, तो आज नाइट जो है हैच होगा वो, तो आज नाइट हैच होने के बाद उसको डायरेक्टली खिला देंगे। और जो खिलाने का वीडियो है वो मैं बना नहीं पाया हूँ, तो मेरा फ्रेंड जो है उन्हें बनाया नहीं पाया, तो इसके वजह से उसके नेक्स्ट डे जो है उन्हें ऑलरेडी आरती में डालने के बाद वीडियो निकाला है, वो बताऊंगा मैं 7th डे के दिन। तो ये तो 6th डे है, इसमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत मोइना डाला है उन्हें, और जस्ट आरती में जो है एक 2 या 3 डेज खिलाए थे, और बाद में जो है पूरा मोइना के फ्राइज खिलाए थे, और मोइना के फ्राइज जो भी है वो आरती में से बहुत छोटा है, तो इसके वजह से जो है अपना सिराज क्या करा बोले तो पूरे मोइना के फ्राइज डाल दिया उन्हें, आरती में हैचिंग को छोड़ दिया, बोले तो आरती में हैचिंग करना छोड़ दिया और डायरेक्टली मोइना फ्राइज खिलाना स्टार्ट कर दिया था उन्हें। तो उसके वजह से फ्राइज की जो ग्रोथ है वो अभी बहुत थोड़ा बहुत फास्ट हो चुका है। जो भी मोइना खाएंगे ना वो 100% डैम श्योर बहुत ही जल्दी ग्रोथ आएगा, वो तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। तो इसमें देख सकते इसमें जो है आर्तेमिया है और मोइना भी है, तो देख सकते आर्तेमिया कितना छोटा है, और इसमें मोइना के फ्राइज भी है थोड़े बहुत, वो तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े मोइना दिख रहे हैं अपन को, लेकिन मोइना के भी फ्राइज है इसमें। तो ये 7th डे है, 7th डे में अपन मोइना और आर्तेमिया ये 2 ही फीड यूज़ करें बस। इसमें अभी पैरामीशियम वो पूरा जो है तो रहेगा उसमें, थोड़ा बहुत तो रहेगा, वो अपन को नाइट टाइम टॉर्च लगा के देखे तो पता चलेगा बस, ये टाइम पे तो डे टाइम पे तो थोड़ा बहुत मुश्किल है दिखना। तो देख सकते हैं और बच्चे जो है हंटिंग लायक हो चुके हैं ऑलरेडी, आर्तेमिया को खाना शुरू कर दिए थे और मोइना फ्रेश को भी खाना शुरू करे थे। तो ये तो 7th डे है, तो बच्चों के लिए ये 5th डे, बच्चों के लिए 5 डेज ओल्ड बच्चे है ये पूरे जो है 5 डेज ओल्ड के बच्चे हैं, ये पैदा होके जो है 5 डेज हो रहा बस इन लोग को। देख सकते हैं इन लोग की शेप ऑलरेडी थोड़ा बहुत बेटा फ्राइज के सर का ही दिख रहा है ऑलरेडी, तो देख सकते हैं ऑरेंज कलर के पेट तो पुलिस है। तो ये था गाइस अपना ब्रीडिंग की वीडियो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।